देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,529 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 311 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 65,34,306 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 88,34,70,578 हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि देश में कल कोरोना वायरस के 15,06,254 टेस्ट किए गए, जिसके बाद महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे देश में 56,89,56,439 टेस्ट किए जा चुके हैं। वही बात करें नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीकी और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले गुरुवार को 57 नए मामले, शुक्रवार को 20 नए मामले, शनिवार को 10 नए मामले, रविवार को 42 नए मामले, सोमवार को 10 नए मामले, मंगलवार को 20 नए मामले, बुधवार को 26 नए मामले और आज गुरुवार को 31 नए मामले सामने आए हैं। जिस देश में संक्रमितों की संख्या 82,793 से 82,724 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भी भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।